में सफर करने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से तफसील आप जानेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। जी बेबी, ये परवाज 782 थी, 582 इनकी जो है वो टेक्निकल लैंडिंग करवा देंगे कराची एयरपोर्ट पर। कराची से ये रवाना हुई थी रविया खान के लिए, और चूंकि एक घंटे के बाद जब ये दोबारा उतारी तो अब रनवे या एयरप्लेन के जो मुसाफिर है उन्होंने तो होटल में जाने से इनकार किया और लाउंज में जाने से इनकार किया। बाद में उनकी तरफ से मुद्दा ये आया कि अब उस परवाज में नहीं जाएंगे क्योंकि इस परवाज को हैंगर किया जा रहा है ताकि उसकी मरम्मत की जा सके। लेकिन मुसाफिर ये कहें कि इस मजकूरा परवाज में जो ये तो खराबी के शिकार हुए इसमें ये वापस नहीं जाएंगे। तो अभी यकीनी तौर पर PIA इंतजामी को मुतबादल तैयारा देना पड़ेगा, लेकिन मुसाफिर जो है वो मंजिल तक पहुंचते वापस कराची लौट आए। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान आपका। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं, डेटा लीक होने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा को खत लिख दिया है।